इस तस्वीर में दिखने वाले शख्स का नाम है अरविंद अरोड़ा। पेशे से कंटेंट क्रिएटर हैं और A2 मोटिवेशनल नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिसके 14.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन ये व्यक्ति अपने सब्सक्राइबर्स के दिमाग में कूड़ा डाल रहा है। ये अपने दर्शकों को ना सिर्फ गलत जानकारी देता है, बल्कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर अपने अपर कास्ट परिवार में मिली जातिवादी और आरक्षण विरोधी मानसिकता को भी जाहिर कर रहा है। ताज़ा मामला ये है कि अरविंद अरोड़ा ने अपने एक वीडियो में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बयान को बहुत ही गलत ढंग से पेश किया और आरक्षण का विरोध किया। अरविंद अरोड़ा ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं भारत के संविधान को जलाने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। आगे उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि देश की तरक्की तभी होगी जब माइनॉरिटी और मेजोरिटी को एक जैसा हक मिलेगा, जो कि आज हिंदुस्तान में आरक्षण की वजह से नहीं मिल पा रहा। यानी अरविंद अरोड़ा ने बेहद मूर्खता भरा वीडियो बनाया है, जहां वो उस व्यक्ति के बयान को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं जिन्होंने खुद संविधान को बनाया है। ऐसे मूर्खों का चैनल देखने से आप सबको बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके दिमाग में ऐसी ही गलत बातें भरते हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। जहां तक बात है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को जलाने वाले बयान की, तो इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में पूरी जानकारी दूंगा, उसके संदर्भ और उसके बैकग्राउंड के बारे में भी बताऊंगा। अरविंद अरोड़ा को खासकर ये वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि उनके दिमाग में लगे जाले हट सके। 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, छोटे समुदायों और छोटे लोगों को यह डर रहता है कि बहुसंख्यक उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं और ब्रितानी संसद इस डर को दबाकर काम करती है। श्रीमान, मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है, पर मैं ये कहने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं कि इसे जलाने वाला मैं पहला व्यक्ति हूंगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है, पर फिर भी यदि हमारे लोग इसे लेकर आगे बढ़ना चाहें तो हमें याद रखना होगा कि एक तरफ बहुसंख्यक हैं और एक तरफ अल्पसंख्यक, और बहुसंख्यक ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं हम अल्पसंख्यकों को महत्व नहीं दे सकते, क्योंकि इससे लोकतंत्र को नुकसान होगा। मुझे कहना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाना सबसे नुकसानदेह होगा। ये बातें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने संसद में कही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? जिस संविधान को उन्होंने दिन रात की मेहनत के बाद तैयार किया था, उसे ही वो जलाने की बातें क्यों कर रहे थे? हमें इस बयान के बैकग्राउंड को और कंटेक्स्ट को समझने की जरूरत है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिंग, जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव को खत्म करने की गारंटी दी थी, लेकिन आजादी के बाद भी देश में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ हकमारी हो रही थी। महिलाओं को लिंग के आधार पर समानता का अधिकार नहीं दिया जा रहा था। इसी दिशा में बतौर भारत के पहले कानून मंत्री उन्होंने हिंदू महिलाओं की दयनीय हालत को सुधारने के लिए 1951 में हिंदू कोड बिल पेश किया था। हिंदू महिलाओं को तलाक देने का अधिकार नहीं था, हिंदू पति कई पत्नियां रख सकते थे, हिंदू महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार नहीं था, हिंदू महिलाओं को पिता की संपत्ति में भी हिस्सा नहीं मिलता था। यदि आप सोचें उस समय के समाज को, तो आपको लगेगा कि हिंदू महिलाएं जो हैं वो अपने जो हिंदू पति हैं उनकी एक तरीके से दासी रहकर जी रही थी। तो हिंदू महिलाओं को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1951 में हिंदू कोड बिल पेश किया था। तो संसद में उस समय हंगामा मच गया जब यह बिल पेश हुआ, तो जबरदस्त हंगामा हुआ। खासकर हिंदूवादी नेताओं ने बिल पास नहीं होने दिया और फिर मजबूर होकर बाबा साहब ने गुस्से में 27 सितंबर 1951 को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। हिंदू कोड बिल का गिरना इस बात का सबूत है कि कैसे उस दौर में भारत की संसद पर सवर्ण हिंदूवादी पुरुषों का कब्जा था, जहां संविधान को ताक पर रखकर काम किया जा रहा था। संविधान जब बनकर तैयार हो गया था, तब 25 नवंबर 1949 को सदन में बोलते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा ही साबित होगा अगर उसे अमल में लाने वाले लोग बुरे हैं, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हैं। यानी बाबा साहब ने कहा था कि संविधान अच्छे हाथों में रहा तो वो अच्छा साबित होगा और बुरे हाथों में चला गया तो वो खराब साबित होगा। इसी संदर्भ में डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को जलाने वाला बयान दिया था। उस समय संसद में जो हो रहा था, बाबा साहब की नजर में वो संविधान के गलत हाथों में चले जाने का ही नतीजा था। अपने बयान पर उन्होंने 2 साल बाद संसद में जवाब दिया था। 2 साल बाद 19 मार्च 1955 को राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनूप सिंह ने डॉक्टर अम्बेडकर के बयान को फिर से उठाया था, उनसे सवाल पूछा था। 4th संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था, जो डॉक्टर अनूप सिंह थे उन्होंने कहा था, अम्बेडकर साहब को याद दिलाया था कि पिछली बार आपने कहा था कि आप संविधान को जला देंगे।
तब इसके जवाब में बाबा साहब ने राज्यसभा में कहा था, आपको उसका जवाब चाहिए, मैं अभी यही आपको जवाब दूंगा। मेरे मित्र ने कहा कि मैंने कहा था कि मैं संविधान को जलाना चाहता हूं। पिछली बार मैंने जल्दी में इसका कारण नहीं बताया, अब जब मेरे मित्र ने मुझे मौका दिया है तो मुझे लगता है कि मुझे कारण बताना चाहिए। कारण ये है कि हमने भगवान के रहने के लिए एक मंदिर बनाया, पर इससे पहले कि भगवान उसमें आकर रहते, एक राक्षस आकर उसमें रहने लगा। अब उस मंदिर को तोड़ देने के अलावा चारा ही क्या है। हमने इसे असुरों के रहने के लिए तो नहीं बनाया था, हमने इसे देवताओं के लिए बनाया था, इसलिए मैंने कहा था कि मैं इसे जला देना चाहता हूं। अब जरा उस पीड़ा को महसूस कीजिए जिससे डॉक्टर अम्बेडकर गुजर रहे होंगे। जिस संविधान को उन्होंने इतनी मेहनत के बाद बनाया था, उसको अमल में लाने वाले लोगों की जो जिम्मेदारी थी, उन जिम्मेदार लोगों की कारस्थानियों को देखकर डॉक्टर अम्बेडकर के दिल पर क्या बीत रही होगी, उसका अनुमान लगाइए। यही वो वजह है कि डॉक्टर अम्बेडकर को ऐसा एक बयान देना पड़ा। लेकिन उन्होंने हमेशा संविधान को एक ऐसे दस्तावेज के तौर पर ही पेश किया जो बनते हुए भारत को सहेज सकता है। संविधान सभा में बहस के दौरान बाबा साहब ने एक बार कहा था, मुझे लगता है कि संविधान व्यवहारिक है, ये लचीला है और ये इतना मजबूत है कि ये शांति काल और युद्ध काल दोनों में देश को एक साथ बांधे रख सके। वास्तव में यदि मैं ऐसा कह सकता हूँ, यदि ये नए संविधान के अंतर्गत चीजें गलत होंगी तो उसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था। हमें जो कहना होगा वो ये है कि इसको अमल में लाने वाले मनुष्य खराब थे। बाबा साहब ने अपने इन तमाम भाषणों में ये बात कहीं भी नहीं बोली कि आरक्षण के कारण देश की तरक्की नहीं हो रही, इसलिए वो संविधान को जला देंगे। लेकिन अरविंद अरोड़ा जैसे सवर्ण बच्चों को घरों में यही सिखाया जाता है कि आरक्षण के कारण ही देश बर्बाद हो गया, वरना ये लोग मंगल पर बस्ती बसा चुके होते, देश सोने की चिड़िया बन गया होता, सारे ओलंपिक मेडल हमारे देश में ही आते, तमाम आविष्कार हो चुके होते। इनके दिमाग में भरी गंदगी ऐसे ही बकवास वीडियो के जरिए जाहिर होती है। उसका आप ये मुजाहिरा इस वीडियो में देख चुके होंगे जो उन्होंने बाबा साहब के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करके बनाया है। बाबा साहब के बयान को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश करना और आरक्षण के खिलाफ बयानबाजी करना सीधे सीधे भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान है। इसलिए एक भी बहुजन को अरविंद अरोड़ा जैसे जातिवादी व्यक्ति का चैनल नहीं देखना चाहिए। उन्हें तुरंत अनसब्सक्राइब कीजिए अगर आप उनके सब्सक्राइबर हैं, और अरविंद अरोड़ा को माफी मांगने के लिए कहें क्योंकि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बयान के साथ छेड़छाड़ की और उनका अपमान किया है। उम्मीद है अरविंद अरोड़ा के साथ साथ आपको भी ये पूरी बातचीत समझ आई होगी। अरविंद अरोड़ा तो फर्जी वीडियो इस तरह की बना रहे हैं, उल्टी सीधे बातें बोल रहे हैं, लेकिन एकदम सटीक और तथ्यों पर आधारित इतिहास के रेफरेंसेस के साथ में वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।